देशवासियों को अवगत कराना चाहूंगा कि 5-4 की शाम को डीजीपी महोदय ने सभी लोगों को एक अपील की थी कि जितने भी जमाती जो अब तक सामने नहीं आए हैं वो 24 घंटे के अंदर पुलिस के सामने आ जाएं, प्रशासन के सामने आ जाएं, तो उनकी हम पूरी तरह से मेडिकल हेल्प करेंगे यथा आवश्यकता। उनको जो जरूरत होगी, उनको जांच की जरूरत होगी जांच कराई जाएगी, क्वारंटाइन की जरूरत होगी वो कराई जाएगी, और किसी तरह से उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होगी तो वो कराया जाएगा, और कोई पुलिस की कार्रवाई नहीं होगी अगर 24 घंटे के अंदर वो सामने आ जाते हैं। तो इस अपील के बाद 180 लोग हमारे सामने आए हैं कल 6 अप्रैल को उत्तराखंड पुलिस के अलग अलग जिलों में, देहरादून में, हरिद्वार में, पौड़ी में और नैनीताल में। और इनके अलावा इससे पहले 41 ऐसे लोग थे जो चोरी छिपे आ रहे थे, 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में उत्तराखंड में चोरी छिपे प्रवेश कर रहे थे। उन 41 लोगों पे हमारी ओर से FIR दर्ज है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के धाराओं में 188 IPC में, और 4 ऐसे लोगों पे भी हमने मुकदमा दर्ज किया था लक्सर में जिन्होंने शरण दी थी, ऐसे लोगों को जो छुप के आ रहे थे उनको शरण दी थी, उन पे भी मुकदमा दर्ज था। 5 अप्रैल वाली हमारी DGP महोदय की जो रिक्वेस्ट थी, अपील थी, और साथ ही साथ उसमें चेतावनी भी थी कि जो लोग 24 घंटे के अंदर सामने नहीं आएंगे तो उसके बाद अगर हम ऐसे लोगों को ढूंढ निकालते हैं तो उनके विरुद्ध धारा 307 IPC इंडियन पेनल कोड का, जो कि जिसका मतलब होता है हत्या का प्रयास और जिसमें 10 साल की सजा होता है, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। ये मानते हुए कि आप जानते हैं कि आप कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, जानते बूझते हुए भी आप अपने को खुद छुपा रहे हैं क्योंकि आप ऐसे एरिया से आ रहे हैं जहां बहुत से लोगों को कोरोना हो गया है, तो आप दूसरों की जान खतरे में डाल रहे हैं, तो जानबूझ करके आप दूसरों को के एक हत्या का प्रयास का मुकदमा इसलिए दर्ज करने की बात कही गई थी। उसके अनुपालन में हमने 2 लोग रुड़की में, हरिद्वार में ढूंढे हैं जो CDRs के माध्यम से ढूंढ रहे हैं उनकी, और उसके माध्यम से पता चला कि ये लोग भी अलवर की तरफ उधर जमात में गए थे और इन्होंने खुद को छुपाया है, तो आज उन पर 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उसके अतिरिक्त हमने 44 ऐसे लोगों पर FIR की है जो अफवाह फैला रहे हैं झूठी कोरोना को लेकर के, और ऐसे लोगों पर 44 FIR दर्ज की हैं। पूरे प्रदेश में आज 7 अप्रैल तक कुल 973 FIR हो चुके हैं, 4071 लोगों को कोरोना के लॉकडाउन के उल्लंघन में अरेस्ट किया जा चुका है, 3331 वाहन सीज किए जा चुके हैं।